कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हिंदुत्व विधानसभा चुनाव से पहले जाग जाता है। राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव से पहले हिंदुत्व को मुद्दा बना लेते हैं। राहुल गांधी दूसरे धर्मों पर कभी कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन हमेशा हिंदुत्व और हिंदूवादी बोलकर बीजेपी और आरएसएस को वो टारगेट करते हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही करती है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम से कर दी थी, उस पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। अपने सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी ने जयपुर रैली में भी हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताया था। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया है। राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जो पीएम मोदी की गलतियों के आगे झुक जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियों का सामना करते हैं वो हिंदू हैं और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते हैं वो हिंदुत्व का पालन करते हैं। उन्होंने हिंदुत्व पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो किसी के सामने झुक जाते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये समूह नफरत फैला रहा है जिसका मुकाबला हमें प्यार से करना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह हिंदुत्व पर निशाना साधा है। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को चुनाव के दौरान ही हिंदुत्व की याद क्यों आती है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वालों पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमारी लक्ष्मण रेखा सत्य है, जहां हमें सत्य दिखेगा वहां हम रहेंगे। सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त में घर से भागता कौन है। हम गुस्सा हो सकते हैं लेकिन घर से भाग नहीं सकते, हम नफरत और डर को निकाल देंगे। माना जा रहा है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित दूसरे नेताओं को लेकर राहुल का ये दर्द बाहर आया है। हालांकि देखना होगा कि राहुल के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमता है या नहीं। गौरतलब है कि बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को तोड़ने में लग गई है। ऐसे में हर राज्य में कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।